इकोनॉमी की सेहत को लेकर आरबीआई लगातार दुविधा का सामना कर रहा है। बीते हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में आरबीआई ने कोरोना काल में पहली बार विकास दर का अनुमान जाहिर किया। आरबीआई ने जीडीपी में 9.5% की गिरावट का अनुमान जाहिर किया है, लेकिन ये भरोसा भी जताया कि अब इकोनॉमी वापस पटरी पर लौटने लगी है। इम्प्रूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, लेबर मार्केट्स एंड रिटेल सेल्स पावर्ड स्ट्रॉन्ग रिकवरीज इन सम कंट्रीज, व्हेयरएज इन अदर्स अ राइज इन न्यू इन्फेक्शंस प्रॉम्प्टेड अ स्लोअर पेस ऑफ अनलॉकिंग और रीइम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस व्हिच इन टर्न स्टॉल्ड द अपटर्न। Generally, investment has remained in retrenchment, while consumption and exports have started to improve. इस बीच आरबीआई ने एक सर्वे में दावा किया है कि अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के हालात में सुधार आने लगा है। आरबीआई के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दूसरी तिमाही में किए गए इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे के नतीजों ने भी जोश बढ़ाया है। इसके मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन क्षमता के इस्तेमाल और ऑर्डर में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही बाहरी डिमांड बढ़ने और नौकरियों में इजाफा होने की उम्मीद भी कंपनियों ने जताई है। इन सब के चलते बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स यानी BEI अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 111.4 पर पहुंच गया है। जुलाई सितंबर तिमाही में BEI 99.5 था। इसके साथ ही कुल मिलाकर वित्तीय हालात और फाइनेंस की उपलब्धता भी कंपनियों का हौसला बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तिमाही के नतीजे इस इंडेक्स में मायूस करने वाले रहे हैं। हालांकि सुधार तिमाही दर तिमाही यहां भी देखने को मिल रहा है। बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स यानी BAI अप्रैल जून तिमाही में 55.3 था। ये जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर 96.2 तो हो गया, जो अभी भी कॉन्ट्रैक्शन जोन में था। अभी भी कारोबार को रिवाइव करने में वक्त लग रहा है। ऐसे में कंपनियों को अक्टूबर दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बने रहने की आशंका है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इकोनॉमी को उबारने और रोजगार देने में बड़ा रोल अदा करता है। इस सेक्टर से जुड़े लोग मानते हैं कि अभी भी हालात सुधरने में वक्त लगेगा। इकोनॉमी और कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के पूरक है। अगर इकोनॉमी में संपूर्ण सुधार चाहिए तो कंस्ट्रक्शन में सुधार अति आवश्यक है। अप्रैल में हमारी इंडस्ट्री बहुत ही मंदी के दौर से गुजरी। जुलाई में कुछ रुके हुए कार्य शुरू हुए और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिसंबर के क्वार्टर में भी कुछ बड़े कार्य दोबारा से शुरू होंगे, जिससे हमारी इंडस्ट्री को थोड़ी रफ्तार मिलेगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के भरोसे चलने वाले मार्बल सेक्टर का मानना है कि इकोनॉमी में रिवाइवल के लिए सरकार को अभी और सहूलियतें देनी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में लगने वाली सामग्री जैसे सीमेंट पत्थर पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स है। जैसे सीमेंट पर 28%, पत्थर पर 18% का टैक्स लगता है। हमारे प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर भी सरकारों को मिलकर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहरहाल सरकार अब इन डिमांड्स पर गौर करेगी। ये जानने के लिए दूसरे राहत पैकेज के ऐलान का इंतजार करना होगा, लेकिन अब उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन के बहाने मौजूदा तिमाही इकोनॉमी में चमत्कार करने में सफल रहेगी।